आज आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, हृदय रोग से कैसे बच सकते हैं। हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, चलते फिरते उठते बैठते, ट्रेन में, बस में, घर में। कई बार सब लोग बोलते हैं हार्ट अटैक वाले को रेस्ट करना चाहिए, और अधिकतर हार्ट अटैक सुबह 4 से 6 बजे के बीच में आते हैं। आप सोच लो, आप तो इसका मतलब क्या हुआ, 5-6 घंटा आदमी सोने के बाद उसको अटैक कैसे आया, लेकिन आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो उससे बचने के लिए मैं आपको एकदम अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम हमारे किचन, हमारी लैब में आते हैं, तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग है जो बेहतरीन है और उपयोगी है। सबसे पहले हल्दी सबके घरों में मिलती है। हल्दी, हम लोग हल्दी सब्जी को छोंकते समय डालते हैं, लेकिन आप सब्जी के ऊपर ऐसे पाउडर की तरह डाल के खाइए, या फिर दूध में डालकर पीजिए हल्दी डेली आधा चम्मच, तो इससे हार्ट से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम दूर होती है। उसके बाद जिंजर, तो अदरक क्रिश कर लीजिए, या तो गर्म पानी 1 ग्लास करिए, उसमें घोल दीजिए और अच्छे से मिक्स करके छान के वो पी लीजिए, या चाय में भी अदरक डाल सकते हो, ये भी आपको फायदा करती है। इसके अलावा सबसे बेस्ट लहसुन, 2 कली लहसुन की लीजिए और चबा चबा कर खा लीजिए। अब जो लोग चबा चबा के नहीं खा सकते, क्योंकि वो तेज होती है, तीखी होती है, तो नहीं खा सकते, तो उसका पेस्ट बना लीजिए और पानी में घोल लीजिए और उस पानी को पी लीजिए, एकदम बेस्ट प्रयोग है हृदय रोग के लिए। हृदय की एक बीमारी नहीं होती है, हृदय की कई तरह की बीमारी होती है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, एंजाइना, हार्ट का बड़ा हो जाना, पानी भर जाना, बस सूजन हो जाना, ऐसी कई तरह की बीमारियाँ, लगभग 17-18 तरह की बीमारियाँ, पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो जाना, पल्स रेट कम हो जाना, तो इन सब बीमारियों में ये चीज़ें अभी ये प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रयोग। अब मैं आपको हृदय के लिए कोई स्पेशल आपको बताऊँ, मुद्रा बता देता हूँ, जो अटैक के समय सोरबिटेट गोली की तरह काम आती है और 3 सेकंड में वो मुद्रा काम करती है। अगर आपके घर में किसी को अटैक आया और आपको मुद्रा याद आ गई, तो वो उसको मौत के मुंह से बचा दे, 100% बचा दे। अंगूठे के नीचे हड्डी है, इस हड्डी पे फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग लगाओ, बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे से लगाओ, ये है अपान वायु मुद्रा। जैसे ये मुद्रा लगाते हैं, सोरबिटेट गोली कार की जाती है, मालूम है, जीवा के नीचे, और वह 3 सेकंड में अपना काम शुरू कर देती है, और व्यक्ति उसी तरह, उससे भी फास्ट, मेरा तो ये अनुभव, उसे भी ये फास्ट काम करती है। जो गैस का गुबार ऊपर की ओर चढ़ता है, वो नीचे सरकने लगता है और व्यक्ति बच जाता है। फिर डॉक्टर इलाज तो ले नहीं, आप एम्बुलेंस में चल रहे हो, लेकिन इस मुद्रा करवा दो, वो नहीं कर सकता है, तो आप पकड़ के करवा दो, तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है। अपान वायु, इंडेक्स फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से अपान वायु मुद्रा, न केवल हृदय के लगते रोग में, बल्कि हार्ट बीट कम ज़्यादा हो तो भी अच्छी हो जाती है, बर्निंग हो तो भी अच्छी हो जाती है, एसिडिटी में भी काम आती है, भयंकर सिर फट रहा हो तो भी ये मुद्रा काम आती है, बहुत ज़बरदस्त मुद्रा है। लेकिन रोज़ करिए, अगर आप रोज़ करोगे तो ज़िंदगी में अटैक ही नहीं आएगा, और आएगा तो माइनर में काम चल जाएगा, मेजर अटैक नहीं आएगा कभी भी, तो ये मुद्रा रोज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी मुद्रा है। इसके अलावा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद एक मुद्रा की जाती है, उस मुद्रा का नाम है बंधक, लेफ्ट हाथ की हथेली में राइट हाथ का अंगूठा लगाएं, 4 उंगलियां ऊपर रख दें, अब इस अंगूठे को टर्न दीजिए ऐसे, और ये अंगूठा यहाँ रखिए और 4 उंगलियां ऊपर रख दीजिए, नाखून छत की ओर रहे, समझ में आया, राइट हाथ का अंगूठा लगाओ, 4 उंगलियों से पैक करो, फिर ऊपर अंगूठा कर दो, अब इसको आपको अंगूठे को टर्न दीजिए, और ये ऊपर गड्ढा है लेफ्ट हाथ में, उस पर लगा दीजिए, ये बंधक मुद्रा होगी। ये मुद्रा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ही की जाती है, ध्यान रखो, और 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं, और इसमें क्लिंग मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ, हाथ या तो सीने के पास रख दो, क्लिंग क्लिंग इस तरह उच्चारण करना मेरे साथ साथ चलिए, क्लिंग 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 क्लिंग
क्लीन क्लीन इस तरह। और इसका जैसे हम क्लीन मंत्र बोल हाथ के ये कर सकते हैं, एक मुद्रा और बताने जा रहा हूँ। हाथों को ऐसे रखिए, हाँ मैं साफ, मिडल फिंगर को बेंड करिए और दोनों मिडल को मिला दीजिए, ठीक है, और स्मॉल फिंगर को मिलाइए, रिंग फिंगर को मिलाइए और इंडेक्स को, एक अंगुली नीचे की तरफ है उसको हमने मिला दिया, कौन सी अंगुली नीचे, मिडल फिंगर मध्यमा। अब आप स्मॉल फिंगर को छोड़िए, छोड़ दो, इंडेक्स को छोड़िए। तो ये मुद्रा करने से अगर कोई ध्यान में बैठ जाए इस मुद्रा में, तो इन अंगुलियों के पोरों से लेकर हार्ट तक के प्रकंपन महसूस होने लगते हैं। आप ऐसे रखो, अंगुलियां सब छत की हो, यस, फोकस योर माइंड ऑन नेवर, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, ब्रीद इन पेट बाहर, ब्रीद आउट पेट भीतर, लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस लें। केवल सांस को देखें, अगर प्रकंपन महसूस हो रहे तो जरूर देखें आपने। इस तरह 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप कर सकते हो, अभी तो हमने आधा एक मिनट के बीच में किया। अब आप अंदाज लगाओ, जिन लोगों ने मुद्रा की खोज की आप देखो, स्मॉल फिंगर आराम से हट गई, रिंग इंडेक्स हट गई और ये नहीं हट रही, इसमें प्रेशर आ रहा है, तो ये अच्छी मुद्रा है। ये भी हृदय रोग के लिए है, बंधक मुद्रा भी हृदय रोग के लिए, और सबसे अच्छी मुद्रा आपको अपानवय मुद्रा बताइए करें। इसके अलावा आपको क्या करना, इसके अलावा आप अनुलोम विलोम करें, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, ये भी बेस्ट है। लेफ्ट हैंड नॉलेज पोस्चर, राइट हाथ की दोनों उंगलियां बेंड करिए, फर्स्ट और सेकंड, अंगूठा दाहिने नासिका पर, दोनों उंगलियां बाहीं पर, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, 5 बार करिए ऐसा। संपन्न हार्ट के लिए एक्यूप्रेशर का मैं स्पेशल आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक ही पॉइंट है लेकिन पावरफुल है। लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर, यहाँ से प्रेशर देते हुए आइए नीचे की तरफ, पूरा लाइन तक प्रेशर दीजिए, ये यहाँ तक दीजिए। देखो किसी को हार्ट की तकलीफ होगी तो कहीं दर्द होगा नीचे उंगली के नीचे, यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट है। इस तरह अटैक के समय भी एक बार देखो तो राहत मिलती है ऐसे, नहीं तो जो लाइन है ऊपर लाइन के ऊपर देखो, यहाँ पे देखो प्रेशर, यहाँ है दर्द, कोई बात नहीं, नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ दे सकते हैं, अच्छा ऐसे नीचे आओ। और मेन पॉइंट ये है, ये जब भी हार्ट के लिए पॉइंट लगाए तो गेज के लिए भी लगाना चाहिए, यहाँ भी लगा, और पीछे ये मांसल भाग में भी लगाना चाहिए, दरदनी और इसके बीच में जो मांसल भाग है इसमें लगाओ, फिर वापस ये लगाओ, गैस के लिए लगाने के बाद वापस लगाओ यहाँ। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आवे तो ऊपर से चले आओ, और थोड़ा अंगूठा ऐसा रख के आप प्रेशर करेंगे ना तो अच्छा प्रेशर, या फिर जिमी का सहारा ले सकते हो, लकड़ी की जिमी, स्टील की जिमी को भी यूज कर सकते हो, एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा आपको, एकदम सरल पॉइंट है, कोई भी कर सकता है। लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर, ठीक है ना,
जिस तरह बाकी जो भी आपको बताया वो करिए और ये करिए। इस तरह ये होम रेमेडीज एक्यूप्रेशर मुद्रा और प्राणायाम के द्वारा हम हमारे हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और हृदय से रिलेटेड कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो नियमित इन प्रयोगों को करिए और हृदय रोग से बचे रहिए। और प्रॉब्लम भी हो गई हो घर में तो यह नियमित करने से आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर की राय लेते हुए ये सब प्रयोग आप कर सकते हो, तो डॉक्टर की भी राय लेना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट को भी बताना चाहिए तकलीफ। और ये प्रयोग साथ साथ में करने पर जैसे कोई आदमी सीढ़ी पर चढ़ता है और हम थोड़ी हेल्प करते हैं हाथ का सहारा देते तो जल्दी चढ़ जाता है, तो ये सब बहुत फायदा करते हैं। तो ज़रूर इसको आजमाएं। शिवानंद के साथ।